हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान लोक आर्ट एंड क्राफ्ट। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक सूट पे डिजाइन ड्रा किए थे और इस वीडियो में उसी डिजाइन को पेंट करेंगे। तो सबसे पहले लीफ बनाएंगे और लीफ के लिए हम दो कलर लिए हैं, एक ग्रीन सैप ग्रीन है, 21 नंबर है उसका, और एक वाइट। इस डिजाइन का पत्ता मैं जो बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल अलग होगा, यानी कि आज तक मैं जितना भी पत्ता बनाने का तरीका बताई हूँ उस सब से ये तरीका अलग होगा और इसका लुक भी बिल्कुल फ्रेंड्स अलग होगा। इस डिज़ाइन में हम दो ब्रश का यूज़ किए हैं, एक फ्लैट ब्रश 3 नंबर और एक पेन ब्रश 4 नंबर। फ्लैट ब्रश का यूज पत्ते को फिल करने के लिए किए हैं और पेन ब्रश का यूज पत्ते में स्ट्रोक देने के लिए किए हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी एक पत्ते को बना चुके हैं, चलिए दूसरा पत्ता बनाते हैं। सबसे पहले तो पत्ते को लाइट ग्रीन कलर से फिल कर लेंगे। यदि आपके पास लाइट ग्रीन कलर नहीं है तो आप वाइट कलर में ग्रीन कलर मिक्स करके लाइट ग्रीन कलर बना सकते हैं, यानी हल्का ग्रीन कलर बना सकते हैं और लाइट ग्रीन से पूरे पत्ते को फिल कर देंगे। सबसे पहले आउटलाइन कर लेंगे ताकि पेंट बाहर ना निकले, उसके बाद बीच वाले पार्ट को फिल कर लेंगे आसानी से। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञान लोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। यदि आपके मन में पेंटिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब अवश्य दूँ। फिल करने के बाद बीच से लाइनिंग करेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से स्ट्रोक देंगे। स्ट्रोक के लिए आप पेन ब्रश का यूज कीजिएगा, मैं यहाँ फ्लैट ब्रश का यूज की हूँ। दूसरी तरफ आपको पेन ब्रश से भी बनाकर दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फ्लैट ब्रश से डिजाइन जल्दी तो बन जाता है बट उतना फिनिशिंग नहीं आ पाता है जितना कि पेन ब्रश से आता है। तो चलिए, मैं दूसरी तरफ आपको पेन ब्रश से भी इस तरह का स्ट्रोक देकर दिखा रही हूँ। तो चलिए, इस साइड भी इसी तरीके से स्ट्रोक देते हैं बट यहाँ पेन ब्रश का यूज किए हैं, तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यदि स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक वाला डिजाइन है, तो आप पेन ब्रश का यूज कीजिए और ऐसे केवल मिक्सिंग करना है तो आप फ्लैट ब्रश का यूज कीजिए। इस तरीके से पूरे लीफ में स्ट्रोक दे लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पत्ता बनाने पे एक प्यारा सा लुक आता है और बिल्कुल अलग तरीका का ये पत्ता है जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यदि फाइनल लुक आपको देखना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। स्ट्रोक देने के बाद बीच वाले भाग में येलो कलर का यूज करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ ब्लैक कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा लीफ बना है। चलिए अब छोटे वाले लीफ को बनाते हैं। इसे सबसे पहले व्हाइट कलर से फिल कर देंगे और उसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, सूखने देंगे। तब तक दूसरे लीफ को भी वाइट कलर से फिल कर लेंगे। जब ये हल्का सूख जाए, पूरी तरह से नहीं सूखाना है, जब हल्का सूख जाए तब इसे ग्रीन कलर से इस तरीके से पेंट कर देंगे। इस तरीके से तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।